बी में, क्योंकि इसका स्पीड कम करना है। स्पीड कम क्यों करना है? क्योंकि इसकी एनर्जी कम करनी है। एनर्जी कम क्यों करनी है? क्योंकि एनर्जी यहां पे डिसिपेट होगी। यहां पे एनर्जी क्यों डिसिपेट होगी? क्योंकि यहां पे इंड्यूस करंट है। यहां पे इंड्यूस करंट क्यों है? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये इसे दूर जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसको अट्रैक्ट करके ही स्पीड क्यों कम होगा? क्योंकि स्पीड नीचे है, फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा। ऊपर फोर्स का मतलब क्या हो गया? अट्रैक्शन। बोलो, बात आई समझ में? दोबारा रिपीट करूं सीधे ऑर्डर में, नीचे जा रहा है तो फ्लक्स चेंज है। नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि नीचे वेलोसिटी है और इसे लीव कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन यही है, इसको लीव कर रहा है तो नीचे जा रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस करंट आएगा। इंड्यूस करंट आएगा तो एनर्जी डिसिपेट होगी। एनर्जी डिसिपेट होगी तो एनर्जी आएगी कहां से? ये देगा। तो इसका एनर्जी कम करना पड़ेगा। कैसे कम करोगे? इसका स्पीड कम करो। कैसे स्पीड कम करोगे? वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। वेलोसिटी कैसी है? नीचे। फोर्स कैसा होना चाहिए? ऊपर। तो अगर फोर्स ऊपर है तो ये इसको क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो ये साउथ पोल है तो यहां पे क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, बोलो, अभी भी डाउट है तो? जब भी इंड्यूस करंट है, ऑलवेज मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है वैसे। खैर चलो, खैर ठीक है, फिर भी उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। मे भी ऐसा होता हो, ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी स्लो हो रही हो तो ऐसा होगा। हाँ, तब भी ऐसा होना ही चाहिए मेरे ख्याल से। खैर अभी देख लेंगे, बस इसमें तो है, हो रहा है एटलीस्ट ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन ये, नॉर्थ है ये साउथ, इसको रिलीज कर दिया गया, यहां से ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप बोल दो तो मैरिट ज्यादा ही बड़ी होगी है, थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ये बड़ी का भी काम नहीं है। ये लूप है लेकिन लूप कंप्लीट नहीं है, ऐसे है। ठीक है, तो इसको तुमने इसे ऊपर से ड्रॉप किया, यहां से ऐसे है तो कटा हुआ है। ठीक है, तो पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वही ऑप्शन है। ए जो है वो इक्वल टू जी, ए जी से बड़ा, ए जी से छोटा, या ए जीरो के इक्वल। करो जरा ट्राई। इतना तो कोई अंधा भी बता सकता है कि पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में ये फर्क है कि यहां पर ये लूप क्लोज नहीं हो रहा है, इससे क्या होगा, यही तुम्हें सोचना है। ठीक है, तो इसी के ऊपर फोकस रखो अपना, सोचो, नोट करो और सोचो। तो क्या होगा? दोबारा से वही कहानी, जब ये नीचे आएगा तो फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा। फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। कौन सी डायरेक्शन में आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ? ऐसा है कि ये नॉर्थ पोल डेवलप कर पाए, ये साउथ पोल डेवलप कर पाए, तो इस डायरेक्शन में आएगा इंड्यूस में। ठीक है, बट यहां पर कोई भी इंड्यूस करंट नहीं होगा क्योंकि लूप क्लोज नहीं है। यहां पर बोलेंगे देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ लेकिन इंड्यूस करंट तभी आएगा जब क्लोज लूप होगा। बट आई इंड्यूस जो है वो बच्चों कितना हो जाएगा? जीरो। और अगर इसके अंदर कोई करंट नहीं है तो टेक्निकली कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, तो बी इंड्यूस भी कितना होगा बच्चों? जीरो होगा। तो अगर बी इंड्यूस जीरो है तो कोई भी पोल्स तुम्हारे क्रिएट ही नहीं होंगे, पोल्स भी नहीं इंड्यूस होंगे, पोल्स वॉन्ट बी इंड्यूस्ड। अगर पोल इंड्यूस नहीं होंगे तो इसको कोई अपोजिशन भी नहीं मिलेगा, इसको कोई अपोज भी नहीं करेगा, क्योंकि पोल्स ही तो उसको रिपेल कर रहे थे। तो अगर उसको पोल रिपेल नहीं करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे इस मैग्नेट के ऊपर नीचे लगेगा एमजी,
ऊपर एफ मैग्नेटिक का वैल्यू जीरो, ठीक है, और होना भी चाहिए ऐसा। देखो ईएमएफ पढ़ा रहे, ईएमएफ क्या करना है, करंट जब तक फ्लो नहीं कर रही है एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है, अगर एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है तो इसकी एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है, जो ग्रेविटी इसको एनर्जी दे रही है देने दो, तुम्हें से कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना हस्तक्षेप जो है उसमें ना करो, ठीक है। तो जब तक इंड्यूस करंट नहीं आएगा एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी, और एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी तो मैग्नेट की एनर्जी निकालने की ऐसा तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन है मेरा वो ए के बराबर हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, एम जी माइनस में जीरो अपॉन में एम विच इज इक्वल टू जी। तो ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ये तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, जब तक तुम क्लोज लूप नहीं बनाओगे इंड्यूस करंट कैन नॉट एग्जिस्ट, जिसके कारण जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा था। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस तो कोई इंड्यूस्ड पोल्स भी नहीं है, और इंड्यूस्ड पोल्स भी नहीं है तो कोई रिपल्शन कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा कितना है, जीरो है। तो उस सूरत हाल में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, जी हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक कॉपर का सॉर्ट ऑफ एक जो है वो पाइप है, ठीक है, तो मैं कॉपर का ऐसे सिलेंड्रिकल पाइप मान सकते हो, कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है, ऐसे। काफी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कॉपर पाइप, कॉपर यानी कंडक्टर बेसिकली, ठीक है, और यहां से एक मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया गया नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये ड्रॉप कर दिया गया। तो पूछा है डिस्कस इट्स एक्सेलरेशन, इसके एक्सेलरेशन को डिस्कस करो, ठीक है, एक ही वैल्यू रहेगी तो बताओ क्या वैल्यू रहेगी, बदलेगी तो पहले क्या होगी, बाद में क्या होगी, लास्ट में क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन है बेसिकली डिस्कस इट्स एक्सेलरेशन, इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो लास्ट में कितना होगा, शुरू में कितना होगा, है ना, बीच वाले पॉइंट में फिर कहां से कैसे कैसे वहां पर जाएगा, तो पूरा तुम्हें डिस्कस करना है, थोड़ा इसमें बुद्धि लगाना। शायद मैं हिंट तुम्हें यही दे सकता हूं कि कॉपर वायर को तुम इनफाइनाइट ऐसे सोलेनोइड की तरह देख सकते हो, कि ऐसे कि एक है फिर एक और है फिर एक और है फिर एक और है फिर एक और है, इस तरह से तुम इसको ट्रीट कर सकते हो, तो क्या सूरत हाल होगी, ठीक है, उसको थोड़ा सोचो जरा, क्या कहानी घटेगी, ठीक है, ठीक है। और एक हिंट दे देता हूं कि जितना तेज स्पीड होगा उतना ही तेज फ्लक्स चेंज होगा, जितना इसका स्पीड बढ़ेगा उतना ही तेज फ्लक्स चेंज होगा, और जितना तेज फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस करंट होगा, उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोल्स होंगे, उतना ही एफ मैग्नेटिक बढ़ेगा, इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, ठीक है, ये मैंने हिंट दे दिए दो, इसको कोएस की तरह ट्रीट करो, और जितना स्पीड इसका बढ़ेगा उतना ही मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा जो इसको अपोज करेगा, अगर अपोज कर रहा है तो, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। इतना हिंट काफी है, थोड़ा इसके बारे में सोचो, इसको नोट करके थोड़ा सा एक दो मिनट अपने माइंड को टाइम दो, उसके बाद फिर मैं डिस्कस कर दूंगा कि क्या कहानी होगी, ठीक है। तुझे पूछ भी लूंगा कि क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा, अगर किसी को जवाब देना होगा, इसको नोट करो फिर ट्राई करते हैं। तो अगर कोई अपना आंसर बोलना चाहे तो बोल सकता है कि उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अगर नहीं तो फिर मैं डिस्कस करूंगा। आई गिव यू 1-2 मिनट इफ यू वॉन्ट टू टेल योर ओपिनियन। हाँ बोलो, एक्सेलरेशन कम होगा जी से, और वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन मेंटेन रहेगा। अब इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ना, एक्सेलरेशन कम होगा जी से शुरू में या एंड में या थ्रू आउट एक ही एक्सेलरेशन रहेगा विच इज लेस देन जी, थ्रू आउट एक ही रहेगा लेस देन, ठीक है। तो ठीक है चलो देखते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जब इसको बिल्कुल ड्रॉप किया गया, ठीक है, जो तुमने इसको बिल्कुल ड्रॉप किया है तो स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी जीरो है, जस्ट बिल्कुल ड्रॉप वाले पॉइंट पे, तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो कोई फ्लक्स भी ऐसा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तो जब इसका वेलोसिटी आएगा तभी तो फ्लक्स चेंज होगा, नहीं तो कोई फ्लक्स चेंज है ही नहीं,
तो यहां पर हम लिख सकते हैं एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, जस्ट उसको ड्रॉप किया है तो बोलेंगे वेलोसिटी होगा जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो नो फ्लक्स चेंज, फ्लक्स थोड़ी चेंज होगा। अगर ये मैग्नेट यहां पे रेस्ट में हो तो बस रेस्ट में बनी रहेगी, ठीक है, लेकिन नीचे ग्रेविटी आ रही है, ठीक है। तो नो फ्लक्स चेंज का मतलब क्या हो गया, एफ मैग्नेटिक जीरो। तो अगर एफ मैग्नेटिक जीरो हो गया बच्चों, तो हम बोलेंगे कि इस बार मैग्नेट के ऊपर एक नीचे की तरफ mg लगेगा और ऊपर fm जीरो होगा, तो a इनिशियल जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो g होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये g एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेगी बिल्कुल एक एक पर्टिकुलर स्पॉट पे, t इज इक्वल टू जीरो पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही जीरो प्लस पे जाएंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आते ही फ्लक्स चेंज होगा, तो एक एफ मैग्नेटिक डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है सच में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेकंड वाला पार्ट, सेकंड में क्या होगा, एट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस, ठीक है, थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं ताकि जितना हो सके उतना कम स्पेस लें। एट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो प्लस में क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी नॉन जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स डीफाई बाई डी टी भी क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स चेंज होगा, नॉन जीरो हो जाएगा। तो फिर हम क्या बोलेंगे, आई इंड्यूस्ड होगा और एफ मैग्नेटिक भी होगा। तो हम अगर मैग्नेट को बनाएंगे तो यहां पर बनाएंगे एम जी, ऊपर बनाएंगे एफ मैग्नेटिक, तो ए विल बी लेस देन जी, ठीक है। ये हो गया टी इज इक्वल टू जीरो प्लस पे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अभी भी ए तो नीचे की तरफ है ना, ये वाली बात ठीक है, अभी भी ए है कैसा, ए लेस देन जी है, ए नीचे की तरफ है क्योंकि एम जी बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे बट स्टिल ए इज डाउनवर्ड, ठीक है, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, ए भी डाउनवर्ड है, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, थोड़ा सा लिख दो, उम्मीद करता हूं तुम देख पा रहे होगे, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो फ्लक्स जो है और जल्दी चेंज होगा, जैसे वेलोसिटी हो जाएगी तो फ्लक्स और तेज और जल्दी जल्दी जो है वो चेंज होगा, तो फ्लक्स विल चेंज क्विकली। हम बोल सकते हैं कि डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इंड्यूस करंट भी बढ़ेगी और जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अब सपोज करो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अभी भी तुम्हारा लेट से एमजी से कम है, अगर अभी भी एमजी से कम है तो फिर वही वाली बात दोबारा कंटिन्यू होगी कि अभी भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, एक्सेलरेशन घट जरूर रहा है क्योंकि एफ मैग्नेटिक बढ़ रहा है। देखो ये वाली बात, अब देखो तुम ये जानते हो, ये वाली बात मैंने तुम्हें पहले भी शायद 11th क्लास में मैंने तुम्हें इस वाली बात के लिए चेताया है कि बच्चे इस वाली चीज को गलत कर देते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स डिक्रीज कर रहा है या किसी का एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, तो बच्चे बोलते हैं वेलोसिटी भी घटेगी। भाई अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी हर सेकंड में 10 बढ़ रही है, अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड हो गया है तो अब वेलोसिटी हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी, तो वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है ना। सपोज करो पहले एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड की, तो वेलोसिटी क्या होगी, अभी 0, अगले सेकंड पे 10, अगले सेकंड पे 20, अगले सेकंड पे 30, 40, ऐसे बढ़ेगी। अब मैंने इसको 10 से घटा करके 2 मीटर पर सेकंड स्केल कर दिया, तो अब 40 थी, 40 के बाद 42, 44, 46, 48, अब 1 कर दिया, 49, 50, 51। तो जब तक एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग है वेलोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगी, लेकिन बढ़े तो गी, यही काम यहां पर हो रहा है। mg नीचे है, fm ऊपर है, तो इनिशियली fm 0 था, तो a था g नीचे की तरफ, ठीक है, तो नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ी। अब जैसे ही एफ एम आया तो एक्सेलरेशन जी से कम हो गया, बट है तो नीचे ही, वेलोसिटी भी नीचे ही है, इसका मतलब वेलोसिटी अभी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। और वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज करेगी तो और एफ एम बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो और जल्दी जल्दी चेंज होगा, जो रेट ऑफ फ्लक्स है वो बढ़ गया है, ठीक है, तो एफ एम और बड़ा हो जाएगा। जब तक एफ एम जो है वो एम जी से कम रहेगा तब तक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही बना रहेगा, और जब तक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ बना रहेगा
तो वेलोसिटी और बढ़ती ही चली जाएगी, और वेलोसिटी और बढ़ेगी तो एफएम भी और बढ़ेगा, और इवेंचुअली एक टाइम आएगा जहां पर एफएम और एमजी बराबर हो जाएंगे। जैसे ही एफएम और एमजी बराबर होंगे तो इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और इसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, नीचे वालों के लिए तुम्हारा फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे ही इसका वेलोसिटी तुम्हारा जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा तो रेट ऑफ जो फ्लक्स चेंज है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और रेट ऑफ फ्लक्स चेंज अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो एफ मैग्नेटिक भी कांस्टेंट हो जाएगा, और ये जीरो एक्सेलरेशन से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरती चली जाएगी। तो मैं आगे लिख देता हूं आगे क्या कहानी घटेगी, एफएम इंक्रीज करेगा और आगे लिखेंगे इवेंचुअली एफएम तुम्हारा बढ़ रहा है तो तुम्हारा नेट फोर्स घट रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी अभी भी बढ़ती जा रही है। इवेंचुअली एफएम विल बिकम इक्वल टू एमजी, उस सूरत हाल में क्या होगा, नीचे एमजी ऊपर एफएम और एफएम का वैल्यू एमजी के बराबर, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों जीरो एंड इट विल मूव विद टर्मिनल वेलोसिटी। And it will move with the terminal velocity. ये terminal velocity से move करेगा। Note कैसे करना है मैं दोबारा repeat कर दूंगा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और फिर यहां से तो आगे continue करते जाओगे, ठीक है, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये, ठीक है। तो मैं दोबारा repeat करता हूं बच्चों क्या कहानी है, जैसे तुमने उसको ऊपर से drop किया तो velocity zero, कोई flux change नहीं है। अगर flux change नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर हम बोलेंगे कि कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा क्योंकि इंड्यूस पोल्स ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ए जो है वो तुम्हारा जी के बराबर हो गया। अब जैसे ही तुम्हारा जो है ए है वो जी के बराबर हो गया है नीचे की तरफ, तो वेलोसिटी तुम्हारी बढ़ेगी नीचे की तरफ। तो अगर वेलोसिटी तुम्हारी नीचे की तरफ बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स आना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में वेलोसिटी कम है तो फ्लक्स चेंज भी कम है, मतलब रेट ऑफ फ्लक्स चेंज कम है। तो अगर रेट ऑफ फ्लक्स चेंज कम है तो ईएमएफ छोटा आएगा, इंड्यूस करंट छोटी होगी, जो पोल्स बनेंगे वो भी वीक बनेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग इंड्यूस पोल्स नहीं होंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स भी वीक होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा कम है एमजी से यहां पर, तो एक्सेलरेशन इज स्टिल डाउनवर्ड, जिसके कारण वेलोसिटी और इंक्रीज करेगी, और जितना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी उतना ही एफएम और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लक्स चेंज जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और इवेंचुअली एफएम और एमजी बराबर हो जाएंगे, जैसे ही बराबर होंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू बच्चों जीरो हो जाएगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो फिर ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करती चली जाएगी, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अगर क्वेश्चन आ जाए कि एट टी इज इक्वल टू जीरो क्या एक्सेलरेशन है, तो ए है, एट टी इज इक्वल टू जीरो के बाद लेस देन जी, और इवेंचुअली ठीक है इनफाइनाइट टाइम बाद स्टेडी स्टेट में इसका एक्सेलरेशन जीरो, इट विल मूव विद टर्मिनल वेलोसिटी। आमतौर पे जो क्वेश्चन पूछता है वो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए ही पूछता है, ठीक है। तो इसका अगर कुछ भी बाय डिफॉल्ट अगर पूछ रखा हो तो तुम्हें टर्मिनल वाला आंसर देना होता है, बाय डिफॉल्ट यानी स्टेडी स्टेट में आंसर देना होता है। तो आंसर क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो, इट विल मूव विद कॉन्स्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। वैसे टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ही होता है कॉन्स्टेंट, क्योंकि उसी से टर्मिनेट कर चुके हो तुम, बदल नहीं रही है वो, ठीक है। चाहो तो कॉन्स्टेंट भी डाल सकते हो ब्रैकेट में, इट विल मूव विद कॉन्स्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो जरूर पूछो बच्चों, ठीक है। आज गर्मी ज्यादा हो रखी है क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम हो रखा है, बहुत ह्यूमिडिटी हो रखी है, और यहाँ पे पंखे वंखे है नहीं। आज का बच्चों क्लास इतना ही रखेंगे, 5-2-3 तो हो ही गए हैं, ठीक है, 5-5 तक मे भी जो है वो तुम लिखने में लगा दोगे, ठीक है। आगे फिर टॉपिक भी थोड़ा अलग करना पड़ेगा, अभी भी यही करेंगे, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन ही करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, एक क्लास में भी और लगेगा, सिर्फ डायरेक्शन। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सॉर्ट ऑफ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जैसे ही है, ठीक है। तो अभी भी हम समझ लो लेंस लॉ के अंदर ही घूम रहे हैं, ठीक है। इतना हम डिटेल में कर लेंगे लेंस लॉ की, तुम्हें क्वेश्चंस में उम्मीद करते हैं कि दिक्कत ना आए, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट करने के बाद आज इतने रखेंगे। अच्छा, कल की क्लास जो है वो इवनिंग वाली रहेगी,